औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद साकिब जावेद, मैथ टीचर फ्राम सीसीयू सेकेंडरी स्कूल कोटद्दू। बेटा जी, आज हमारे जो 8 क्लास का जो यूनिट नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है रेशो प्रोपोर्शन के हिसाब से, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शन के मेथड के ज़रिए हम सवालात को हल कर रहे हैं। आज हमारा 4.1 एक्सरसाइज का पार्ट 3 लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ दी फेयर, फेयर कहते हैं किराए को, इफ़ दी फेयर ऑफ 12 क्विंटल लगेज, लगेज कहते हैं सामान को, 12 क्विंटल, क्विंटल एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका मतलब, जैसे हम ये नहीं कहते कि 1 किलो, अब 40 केजी का 1 मन, ठीक है, ऐसे 100 केजी को हम 1 क्विंटल कहते हैं। तो 12 क्विंटल लगेज है, सामान है, फॉर डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर तक बंदा उसको लेके जाता है, इज़ 12 रुपीज़ है। यानी कि अगर 12 क्विंटल वो लगेज है, सामान है, उसको एक गाड़ी वाला, रेडे वाला, उसको 18 किलोमीटर दूर हमने लेके जाना है, तो वो उसके ना 12 रुपये किराए के लेता है। हाउ मच फेयर, कितना किराया लेगा। वैसे हम साथ हल करते चले जाएँ, जो मालूम करना है उसको हम पहले लिखते हैं। हम यहाँ ले जाते हैं फेयर, किराया, और क्या चीज़ है, क्विंटल, यानी कि जो हमारे पास लगेज की वो है, ठीक है, और डिस्टेंस, तीसरी चीज़ हमारे पास क्या है, डिस्टेंस, उसका वज़न है। अब ये देखें कि इफ़ दी फेयर ऑफ 12 क्विंटल, तो 12 इधर आएगा, लगेज फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर, 12 रुपीज़ इधर आ जाएगा। हाउ मच फेयर एक्स बी चार्ज फॉर अ लगेज ऑफ 9 क्विंटल, अब क्विंटल कितना हो गया 9, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तक लेके जाना है, यानी कि सामान कम है लेकिन फासला ज़्यादा हो गया। अब आपका ये वाला जो हिस्सा है इसको आपने कंपेयर करना है इससे भी, और इसको कंपेयर करना है आपने इससे भी, इसकी जो एरो हेड है वो हमेशा नीचे से ऊपर ही होती है। अब ये देखें कि आपने इसको इग्नोर करना है, 12 क्विंटल के 12 रुपये, तो 9 क्विंटल के 9 रुपये, या यूँ समझ लें कि अगर सामान कम होगा तो किराया भी कम होगा, तो जब एक क्वांटिटी कम हो तो दूसरी क्वांटिटी भी कम हो जाए, तो उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शन कहते हैं, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन का एरो हमेशा नीचे से ऊपर होता है। अब आपने इसको इग्नोर करना है, 18 किलोमीटर के पैसे 12 रुपये हैं, यानी कि 18 किलोमीटर तक लेके जाएगा तो 12 रुपये लेगा। अब फासला जब ज़्यादा हो जाएगा, जितना फासला ज़्यादा होता जाएगा उतने पैसे भी ज़्यादा होते जाएंगे, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, नीचे से ऊपर एरो। हम राइट करते हैं एक्स ओवर 12 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होंगे नीचे से ऊपर, 9/12 मल्टीप्लाई बाई नीचे से ऊपर 20/18, तो एक्स इज इक्वल टू 9/12 मल्टीप्लाई बाई 20/18 मल्टीप्लाई बाई ये 12, से हमने यहाँ पे भी आके मल्टीप्लाई कर दिया। कटिंग करते हैं, इस 12 से इस 12 को काट दिया, 9 1 9, 9 2 18, 2 1 2, 2 10 20, तो x इज इक्वल टू 10 रुपीज़, ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि 10 रुपये किराया लगेगा अब इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, मैसन कहते हैं मिस्त्री को, मेमार को, इमारतें बनाने वाले को, कैन बिल्ड अ वॉल, एक दीवार बनाते हैं 12 मीटर हाई, जो कि 12 मीटर ऊंची है, इन 12 डेज 12 दिन में बनाते हैं, हाउ मैनी मैसन्स, कितने मैसन, मैसन लिखेंगे पहले, जो मालूम करना वही राइट करेंगे मैसन्स। अब हाइट और 12 डेज और हमारे पास डेज, ये 3 चीज़ें हैं, तो हम इसमें सबसे पहले क्या राइट करेंगे, 14 मैसन्स, 14, हाइट कितनी है 12 मीटर, 12 डेज के अंदर, हाउ मैनी मैसन्स, एक्स विल बी नीडेड टू बिल्ड अ 120 मीटर हाई, 120 मीटर हाई करनी है इन 7 डेज 12 दिनों में, तो हमारे पास सबसे ये वाले जो एरो होगी ये हमेशा नीचे से ऊपर होती है। आपने इसको कंपेयर करना है इससे भी और इससे भी कंपेयर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये समझना, ये यहाँ पर इग्नोर करें, 12 मीटर हाइट को बनाने वाले 14 मैसन्स, 14 मजदूर हैं जो 12 मीटर हाई दीवार को बनाते हैं। अब
अब हमने बनाना है 120 मीटर। अब दीवार की ऊंचाई ज़्यादा तो मिस्त्री या मजदूर भी ज़्यादा। तो जब एक चीज़ के भरने से दूसरी चीज़ भर जाए तो वो कौन सी प्रोपोर्शन, डायरेक्टली और डायरेक्टली का एरो नीचे से ऊपर। अब आपने इस दरमियान वाले को इग्नोर समझना है। 12 दिन में काम मुकम्मल होता है कितने मिस्त्री लगाने से, 14 मिस्त्री लगाने से। 14 मिस्त्री काम करते हैं, 14 मजदूर काम करते हैं, 14 मैसन्स काम करते हैं, तो 12 दिन में काम हो जाता है। आप चाहते हैं कि काम 7 दिन में ख़त्म हो जाए। अगर दिन कम करने हैं तो मजदूर क्या करने पड़ेंगे, ज़्यादा या कम? मजदूर ज़्यादा करने पड़ेंगे। एक कमरा है, इस कमरे को बनाने वाले अगर 2 बंदे लगाएंगे तो जितने दिन वो 2 बंदे लेते हैं, हम अगर 10 बंदे लगा देंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। यानी कि बंदे ज़्यादा तो दिन कम, दिन यानी कि कम करने तो बंदे क्या करने पड़ेंगे, ज़्यादा। एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ऊपर से नीचे। सॉल्व करते हैं, नीचे से ऊपर x by 14 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई होगा, नीचे से ऊपर 120 by 12 मल्टीप्लाई ऊपर से नीचे 12 by 7, ठीक हो गया। अब हमें चाहिए x इज इक्वल टू 120 by 12 मल्टीप्लाई बाई 12 बाई 7 मल्टीप्लाई बाई ये 14 इतना कर मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम इसको कट करते हैं, 12 और 12 से काट दिया, 7 × 7 7 × 2 = 14। 2 को जब 120 से मल्टीप्लाई किया 240 मैसन्स आपको रिक्वायर्ड है। यानी कि 200 दीवार की हाइट भी बढ़ गई है, उधर से दिन भी कम कर दिए हैं, तो 240 मजदूर काम करेंगे आप इसके ऊपर, तब जाके ये वर्क कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 मशीन्स, सिलाई वाली मशीन है, कपड़ा बुनने वाली मशीन है या स्वेटर बनाने वाली मशीन है, 15 मशीनें टोटल हैं। प्रिपेयर 360 स्वेटर्स, 360 स्वेटर तैयार करते हैं इन 6 डेज, 6 दिनों में। 3 मशीन गेट आउट ऑफ ऑर्डर, 3 मशीनें हो गई ख़राब। हाउ मैनी स्वेटर्स, स्वेटर कहाँ है मालूम करने के लिए, तो हम सबसे पहले यहाँ पे स्वेटर लिखेंगे, जो मालूम करना है उसी को हमने यहाँ पे राइट करना है। स्वेटर आगे मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, एक मेरे पास मशीन है और बाकी मेरे पास क्या है, डेज हैं। ये 3 चीज़ें मेरे पास रिक्वायरमेंट की। हम फिलअप करते हैं, स्वेटर 15 मशीन, तो यहाँ पे 15, 360 स्वेटर्स, 360 स्वेटर बनाती है इन 6 डेज, 6 दिनों में। अब यहाँ पर वो कह रहा है हाउ मैनी स्वेटर्स, एक्स फाइंड करना है, और मशीन की दी है 3 मशीन गेट आउट ऑफ ऑर्डर। अब आपने यहाँ पे 3 नहीं लिखना, कुल मशीनें कितनी हैं, 15, 3 मशीन ख़राब हो गई तो बाकी कितनी बची, 12, तो यहाँ पे 12 मशीनें आएंगी। यानी कि हमारे पास टोटल मशीन 15 है ना, तो उसमें से 3 ख़राब हो गई हैं तो 12 मशीन आई। अब बच्चे 3 मशीन लिखी भी होती हैं, यहाँ पे 3 लिख देते हैं, गलत हो जाएगा। 3 मशीन गेट आउट ऑफ ऑर्डर, वो ख़राब हो गई हैं तो बाकी 12 काम कर रही हैं, और प्रिपेयर इन 10 डेज, 10 दिनों के अंदर। तो हमारे पास पहले वाला जो है वो हमेशा नीचे से ऊपर एरो होता है, आपने इसको कंपेयर करना है इससे भी और इससे भी। फर्स्ट ऑफ ऑल डेज को इग्नोर करेंगे, 15 मशीन 360 स्वेटर बनाती है, 12 मशीन कितने बनाएगी, देखें ज़्यादा मशीन होगी तो ज़्यादा स्वेटर बनेंगे, कम मशीन होगी तो कम स्वेटर बनेंगे। एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी भी कम हो रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, डायरेक्टली का एरो नीचे से ऊपर होगा। अब मशीन को इग्नोर कर दें, 6 दिन में 360 स्वेटर बना रहे हैं तो 10 दिन में अगर तो जितने ज़्यादा दिन होंगे उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगी, उतने ज़्यादा स्वेटर बनेंगे। तो जब एक क्वांटिटी के भरने से दूसरी भी भर रही है तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गई। हम इसको सॉल्व आउट करते हैं, नीचे से ऊपर एक्स ओवर 360 ये मल्टीप्लाई होगा, नीचे से ऊपर 12/15 मल्टीप्लाई बाय नीचे से ऊपर 10/6। एक्स इज इक्वल टू 12/15 मल्टीप्लाई बाय 10/6 मल्टीप्लाई बाय 360 से हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो कटिंग होती है हम कटिंग करते हैं, 6 × 6 6 6 = 36 0, 15 × 15 15 × 4 = 60। अब 12 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4, 12 10 जा
120 मल्टीप्लाई बाई 4, एक्स इज इक्वल टू 400 4 2 4 1 8, तो ये 480 स्वेटर्स ये आप बाकी मशीन्स बनाएंगे। तो ये हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शन के हवाले से आज का जो हमारा ये जो लेक्चर था ये थर्ड लेक्चर था। तो इंशाल्लाह बाकी इसके जो 2 क्वेश्चन रिमेनिंग है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपने इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, तैयारी करनी है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।